तो दोस्तों, आज हमारे पास एक खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, जिसमें पहले आपको ये लेंस पे ध्यान देना चाहिए जिसको आईपीस कहा जाता है। ये एक बाइकन्वेक्स लेंस होता है जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट को देखते हो मैग्नीफाई करके। जो लेंस इसके मैग्नीफिकेशन में हेल्प करता है, दैट इज़ नोन एज ऑब्जेक्टिव। जो लेंस से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, वो भी एक बाइकन्वेक्स लेंस है। अब इसमें 10x जूम पॉसिबल है, जिसका फोकस आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू योर सूटेबल एडजस्टमेंट। अब मेजरमेंट करने के लिए आपको दो तरीके का स्केल दिखेगा। पहला तो होता है हॉरिजॉन्टल स्केल। हॉरिजॉन्टल साइड में एक्चुअली आपको जैसा वर्नियर कैलिपर में दिखता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको एक मेन स्केल रहता है और एक वर्नियर स्केल रहता है। इसका रीडिंग कैसे लिया जाता है कि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल में जहाँ पे टच किया है वही मेन स्केल का रीडिंग है। अब आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना होगा कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल का कौन सा ऐसा रीडिंग है जो दोनों एक साथ, मतलब एक ही लाइन में है। एक्चुअली दे शुड बी कोलिनियर। इसे एक्चुअली एक कैपिलरी ट्यूब्स का हम लोग डायमीटर मेजर करते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो कैपिलरी ट्यूब इनको कहा जाता है जो एक्चुअली कैपिलरी एक्शन को फॉलो करते हैं। ओ जी, और एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया, इसमें एक वर्टिकल स्केल भी होता है जिसमें सेम तरीके का मेजरमेंट होता है जैसे हॉरिजॉन्टल साइड में था। यहाँ पे भी एक मेन स्केल आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअली एक मेन स्केल है और इसमें भी एक वर्नियर स्केल है। यहाँ पे उसी तरीके से मेजरमेंट होगा जैसे एक वर्नियर कैलिपर में होता था। अगर अभी इसका मेजरमेंट देखे तो दिख रहा है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के शायद यहाँ पे 9.3 पे टच किया हुआ है, तो मेन स्केल का रीडिंग 9.3 सेंटीमीटर है। अब आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है कि वर्नियर स्केल का कौन सा ऐसा रीडिंग है जो मेन स्केल के साथ एकदम कोलिनियर है। और यहाँ पे एक ऐसा जैसे कि आप कह सकते हो कि रैचेट की तरह है, जिसको आप ऐसे घुमाओगे तो इसका वर्टिकल स्केल का पोजीशन धीरे धीरे चेंज होगा।